हमारे चैनल डिलीशियस प्लैनेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम अनाज जैसे चावल, गेहूं और दाल वगैरह पर नाम किस तरह लिखते हैं इसे लाइव एग्जांपल के जरिए देखेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह मुमकिन है और क्या ये भी एक कला है। जी हाँ, ये भी एक कला है, क्योंकि अनाज या किसी बीज पर एक से ज्यादा बार नाम लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस कला का मुजाहरा वही कर सकता है जिसे ये कला आती हो और जो इस फन में माहिर हो। इस वीडियो में आप भूपेंद्र वर्मा नामी शख्स को अलग अलग बीजों पर नाम लिखते और अपनी अजीम कला का मुजाहरा करते हुए देखेंगे। भूपेंद्र वर्मा किसी भी बीज पर एक से ज्यादा बार नाम लिखने के फन में माहिर है। आइए भूपेंद्र वर्मा के जरिए पेश की गई वीडियो देखते हैं। नाम नहीं आ रहा है क्लियर, साफ ये दिख रहा है लेकिन उस कमरे में नहीं आ रहा Yeah.
राजमा पीतो ना क्या लिखने है इसमें से सब नाम हो गया कौन सा लिखूं ऊपर वाला पांच पर हो गया ना चावल तो चावल पर क्या लिखूं कौन सा नाम लिखूं इट इज किचन विथ नेम ऑन राइस ये किचन है जिसमें आप राइस पर लिखा हुआ नाम देख सकते हैं इट इज किचन विथ नेम ऑन वेट ये एक ऐसी किचन है जिसमें आप वेट पर यानी गेहूं पर लिखा हुआ नाम देख सकते हैं इट इज नेम ऑन राइस यहां आप चावल पर लिखा हुआ नाम देख सकते हैं इट इज नेम ऑन वेट यहां आप गेहूं पर लिखा हुआ नाम देख सकते हैं
इट इज नेम ऑन स्प्लिट चिकपीस। यहां पर आप चना दाल पर लिखा हुआ नाम देख सकते हैं। Here it is name on kidney beans। यहाँ आप राजमा पर लिखा हुआ नाम देख सकते हैं। It is written by black ink on राजमा। ये काली पेन से लिखा हुआ है राजमा पर। It is name on black eye peas। यहां आप चौला चौली या लोबिया पर लिखा हुआ नाम देख सकते हैं। नेम ऑन पीनट। यहां आप सेंग दाना या मूंगफली के बीज पर लिखा हुआ नाम देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही हैरतअंगेज और दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस के इमीडिएट नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल बटन पर क्लिक कीजिए।